अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजी किचन में आपको खुशामदीद। देखिए हम आज बोंबिल बनाएंगे। बोंबिल मैंने अच्छे से धो के कट लगा लिया है और कपड़े में भी उसको अच्छे से सुखा लिया। देखिए पानी कुछ भी नहीं है, कपड़े में उसको अच्छे से धो के सुखाना है आपको। इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए कॉर्नफ्लोर है, दो चम्मच पाउडर है और रवा दो चम्मच है, और ये मसाले देखिए, काली मिर्च है एक टीस्पून, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। देखिए नमक पहले से मैं लगा के रख चुकी थी उसको, और ये मसाले सब इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, उसको अच्छे से मिलाएंगे। एक देखिए पानी है क्या, पानी तो पूरा सूख चुका अपना बोंबिल में। देखिए पानी नहीं रहना चाहिए इसको। इसके मसाला लगा के आप रख देंगे फ्रिज में आराम से 5-10 मिनट में, फिर आपको फ्राई करना है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा, पानी नहीं कुछ नहीं, अच्छे से देखो ऐसा कट लगाने का, उसमें ऐसे कट लगा देंगे। इसको अभी फ्रिज में रख देंगे हैं 5-10 मिनट तक। देखिए फ्रेंड, पहले मैं नमक लगा के कपड़े में ढक के रख दी थी, तो अभी मसाले में मैं नमक नहीं डाली हूँ, थोड़ा से मैं अभी थोड़ा से नमक डालूँगी, क्योंकि नमक थोड़ा कम लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए गैस ऑन करते हैं। देखिए तेल गरम हो रहा है, ये अपना बोंबिल है ना, वो क्रिस्पी बनेगा अच्छे से। ये इसको ऐसा मिक्स कर लेंगे, रवा और कॉर्नफ्लोर है ना, दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको ऐसे से ऐसे चिपकाएंगे, ना तेल में चिपकेगा ना तवे में चिपकेगा अपना। तेल गरम हो गया है, देखिए ऐसा आटा लगा के आपको फ्राई करना है, झटपट बन जाते हैं बहुत इजी से क्रिस्पीदार। देखिए देखिए ब्राउन हो गया, मैंने पलटी की हूँ अभी। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी दार तैयार हुआ है, झटपट फ्राई हो जाता है इसमें। देखिए आप भी बना, ये मुंबई का फेवरेट है, मुंबई का डिश है बोंबिल, बोंबिल फिश है। देखिए कितना क्रिस्पी दार, ना चिपक रहा है ना कुछ हो रहा है। कॉर्नफ्लोर डाल के फ्राई करते जाना आपको, कुछ नहीं चिपकता है तवे में। निकाल के बता रही हूँ, अब चलूंगी। चलिए फ्रेंड, देखिए मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है, देखिए कितना क्रिस्पीदार बना है। मैंने आपके सामने जो
तेल डाली हूँ वही तेल है, फिर से मैं डाली नहीं हूँ। कोई कोई बोलते क्या तेल जास्ती लगता है बोंबिल मछली में, देखिए तेल अभी भी बचा हुआ है। देखिए चलो देखिए डिश आउट करते हैं, देखिए क्रिस्पीदार कितना अच्छे मज़ेदार बन गया है। देखिए ठंडा होने पे कड़क हो जाएगा और भी, ये गर्म है अभी, देखिए फू, देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है, बहुत अच्छा मज़े का है। बोंबिल मच्छी हमारा रेडी हो गया। चले दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चले अल्लाह हाफिज़।